यहाँ पे आपको टेक सर्वे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक सर्वे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक लिखा हुआ आएगा, वी नीड योर हेल्प टू मेक यूट्यूब मोर इंक्लूसिव, टेक दिस 7 क्वेश्चन सर्वे, इट विल ओनली टेक 5 मिनट। अब यहाँ पे आपको इस परीक्षा में 7 सवालों के जवाब देने हैं जो यूट्यूब आपसे पूछेगा। अगर इन 7 सवालों का जवाब आप सही सही दे देते हैं तो YouTube को ये विश्वास हो जाएगा कि आप YouTube का नॉलेज रखते हैं और आप YouTube पे सही ढंग से काम करेंगे, तब जाके YouTube पे आपके व्यूज अच्छे खासा आना शुरू हो जाएगा और आप जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा। YouTube की परीक्षा 2024। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि डॉक्टर बनने के लिए एक परीक्षा पास करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए एक परीक्षा पास करनी पड़ती है, वैसे ही अब आपको एक यूट्यूबर बनने के लिए परीक्षा पास करने की जरूरत है। लेकिन ये जो परीक्षा है यूट्यूब वाली, जिससे आप वीडियोस बना के लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, वो उतनी मुश्किल नहीं है जितनी कि एक डॉक्टर की परीक्षा में मुश्किल होती है। दोस्तों, एक डॉक्टर बनने के लिए आप कितने दिन की पढ़ाई करते हैं? कम से कम 3 या 4 साल आप पढ़ाई करते हैं, कम से कम आप 12 से 13 परीक्षाएं देते हैं, तब जाके कहीं आप एक डॉक्टर बन पाते हैं, वो भी 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद। तब कहीं जाके आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख महीना यूट्यूब जो है डॉक्टर बन के कमा पाते हैं। अगर आप एक इंजीनियर बनते हैं तो इंजीनियर बनने के लिए भी आपको बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, 4 से 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। और इंजीनियर बनने के बाद आपको जॉब कितने का मिलता है? अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाते हैं तब तो आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन ज्यादातर इंजीनियर कितना पैसा कमा लेते हैं महीने का? मुश्किल से मुश्किल 20,000, 30,000, 40,000 या फिर 50,000। जिस इंजीनियर की सैलरी 50,000 या 1 लाख रुपए होती है वो एक बहुत बड़ा इंजीनियर होता है, जिसे बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप यूट्यूबर बन जाते हैं, अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाना जान जाते हैं, अगर आपके YouTube पे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो आप आसानी से महीने के 1 लाख रुपए कमा लेते हैं। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि YouTube की परीक्षा 2024, क्योंकि 2024 में अब आपको YouTube की भी परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे YouTube की परीक्षा नहीं पास करते हैं तो फिर वही होगा जैसे आपके व्यूज 6, 7, 10, 5 आके रुक जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारे वीडियोस पे तो व्यूज ही नहीं जा रहा है। दोस्तों, आप सोचिए कि यूट्यूब पे रोज कितने सारे लोग चैनल बना रहे हैं, कितनी सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, कोई सही वीडियो अपलोड कर रहा है, कोई गलत वीडियो अपलोड कर रहा है, कोई किसी और की भी वीडियो उठा के यहाँ पे अपलोड कर दे रहा है, तो यूट्यूब कैसे सभी को पैसे दे देगा? अगर यूट्यूबर बनना इतना ही आसान रहता तो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता और यूट्यूब से पैसा ले लेता। इसीलिए YouTube ने यहाँ पे 2024 में एक परीक्षा की घोषणा की है, जिससे अब आप परीक्षा देने के बाद ही यूट्यूबर बन पाएंगे। जब तक आप YouTube का ये परीक्षा पास नहीं करते हैं 2024 में, तब तक आप भूल जाइए कि आपके वीडियोस पे व्यूज आने वाले हैं। हाँ, लेकिन अगर इस परीक्षा को आप सही सही पास कर जाते हैं तब जाके आप यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज पे ज्यादा व्यूज ला सकते हैं और यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस 2024 में YouTube के परीक्षा को कैसे पास करना है और ये कहां पर मिलेगा। ये आपके YouTube चैनल में ही, जो आपने चैनल बनाया है वहीं पे ये आपको परीक्षा मिलेगी, वहीं से आपको ये परीक्षा देनी है। कैसे देनी है, चलिए मैं आगे की चीजें बता देता हूं। इस चीज को हमने बंद कर दिया, अब मैं अपना चैनल ओपन करने जा रहा हूं और यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि वो यूट्यूब की परीक्षा जो 2024 में आपको पास करनी है वो कैसे पास करनी है, जिससे कि आपका चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो पाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने चैनल को आपको गूगल क्रोम में लॉगिन करना है। गूगल क्रोम जो है उसे आपको ओपन कर लेना है, हर किसी के मोबाइल फोन में होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, यूट्यूब। लेकिन यूट्यूब सर्च करने से पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका क्रिएटर स्टूडियो बेटा वर्जन में, कंप्यूटर वाले वर्जन में आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से योर चैनल ओपन कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा चैनल है, ये मेरा दूसरा चैनल है जिसपे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप लाइव देखिएगा कि किस तरीके से इस यूट्यूब के परीक्षा को आपको देनी है और कैसे आपको ये यूट्यूब परीक्षा 2024 में पास करना है, क्योंकि अभी तक
कोई भी चैनल अभी तक इस पर वीडियो नहीं बनाया है, और मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि इस परीक्षा को अगर पास कर लेंगे आप तो YouTube को भरोसा हो जाएगा कि आप भी जो है YouTube का जानकारी रखते हैं और आप भी YouTube से पैसे कमा सकते हैं, तब जाके YouTube आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज सकता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पे YouTube को इस तरीके से लॉगिन कर लिया, अब आपको यहाँ पे चैनल इस तरीके से आपका खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपका चैनल कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में लॉगिन हो जाएगा, जो आप क्रिएटर स्टूडियो आपने ओपन किया है वहां पे इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी, कंटेंट मिल जाएगा, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड मिल जाएगा, यहाँ पे आपका एनालिटिक मिल जाएगा, चैनल का सारा कुछ यहाँ पे आपका खुल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे नीचे में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ये सेटिंग का ऑप्शन, इस सेटिंग के ऑप्शन में ही आपको सारा प्रोसेस करना है। इस पे आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपकी सेटिंग की यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है सो सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो पहले पुराने चैनल्स में नहीं देखने को मिलता था। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये फीचर पहले जो है YouTube में नहीं था, क्योंकि YouTube ये समझता था कि जो क्रिएटर हमारे पास आ रहे हैं, जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, वो सही बना रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि आज के डेट में कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है और YouTube पे कितने सारे क्रिएटर आ चुके हैं, तो ऐसे में YouTube हर किसी को तो पैसा नहीं दे सकता, इसलिए ये छोटी सी परीक्षा 2024 में आपको देनी है, जिससे कि YouTube को ये समझ आएगा कि आप YouTube की नॉलेज रखते हैं और आप भी YouTube से पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे जनरल का ऑप्शन है, चैनल का ऑप्शन है, अपलोड डिफॉल्ट का ऑप्शन है, परमिशन का ऑप्शन है, कम्युनिटी का ऑप्शन है, क्रिएटर डेमोग्राफिक्स, क्रिएटर डेमोग्राफिक्स का एक ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि है क्रिएटर डेमोक्रेटिक्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑप्शनल, यू मे डिलीट योर आंसर एनी टाइम। यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो आंसर देना है, ये आंसर आपको जो है सही सही देना है, और यहाँ पे आपको 45 दिन में इसे जो है सो अपडेट करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन अपडेट योर रिस्पॉन्स वंस एवरी 45 डेज। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको टेक सर्वे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक सर्वे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक लिखा हुआ आएगा, वी नीड योर हेल्प टू मेक यूट्यूब मोर इंक्लूसिव, टेक दिस 7 क्वेश्चन सर्वे, इट विल ओनली टेक 5 मिनट। अब यहाँ पे आपको इस परीक्षा में 7 सवालों के जवाब देने हैं जो YouTube आपसे पूछेगा। अगर इन 7 सवालों के जवाब आप सही सही दे देते हैं तो YouTube को ये विश्वास हो जाएगा कि आप YouTube का नॉलेज रखते हैं और आप YouTube पे सही ढंग से काम करेंगे, तब जाके YouTube पे आपके व्यूज अच्छे खासा आना शुरू हो जाएगा और आप जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा। ये 2024 में आपको ये यूट्यूब की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तभी आपके वीडियोस पे व्यूज जाएंगे, तभी आपका चैनल ग्रो हो पाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले नीचे में आई एग्री पे क्लिक करना है, और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा मेन चैनल लीड, मतलब आपका जो चैनल है वो चलाता कौन है, मेन चैनल को लीड करने वाला कौन है। वी वुड लाइक अ रिस्पॉन्स टू दिस सर्वे फ्रॉम द मेन क्रिएटर आर्टिस्ट टैलेंट हु लीड्स योर चैनल, वी विल कॉल दिस इंडिविजुअल द चैनल्स मेन लीड। मतलब आपके चैनल को चलाने वाला मेन इंसान, मेन लीड कौन है, इसका सवाल आपको पूछा जा रहा है, इसका जवाब आपको देना है। दिस मीन्स दिस द मेन क्रिएटर हु लीड्स कंटेंट स्ट्रेटजी एंड क्रिएशन फॉर योर चैनल, द क्रिएटर हु इज एक्सपेक्टली एसोसिएटेड विथ द चैनल नेम्स और ब्रांड। ये आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका चैनल मेन लीड करने वाला कौन है, कौन चलाने वाला है, उसका आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा हाउ मैनी मेन लीड्स एज डिफाइंड अबव डज योर चैनल हैव, मतलब कि आपका जो चैनल है वो मेन चलाने वाले कितने लोग हैं। जैसे कि किसी का कॉमेडी चैनल होता है तो उसमें 2 पार्टनर्स होते हैं, 3 पार्टनर्स होते हैं, तो वो लोग मिलके चैनल चलाते हैं, तो आप यहाँ पे 2 और 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके 4 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं जो मिलके चैनल को मैनेज करते हैं तो यहाँ पे 4 कर सकते हैं। अगर आप अकेले अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं, या आपका अकेले का खुद का चैनल है, आप एडिटिंग खुद करते हैं, वीडियो खुद बनाते हैं, चैनल आपने खुद बनाया है, तो यहाँ पे आपको माई चैनल हैज़
वन मेन लीड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और इसका सही सही जवाब देना है, तभी जाके यूट्यूब के इस परीक्षा में आप पास हो पाएंगे। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, क्रिएट डेमोक्रेटिक ये आपसे पूछता है कि आपका जो ये वीडियो है वो आप हिंदी में बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं, बंगाली में, पंजाबी में, मराठी में, तेलुगु में, किस लैंग्वेज में आप अपने वीडियोस को बनाते हैं। तो हम यहाँ पे हिंदी में बनाते हैं तो हिंदी को सेलेक्ट करेंगे। आप जिस भी लैंग्वेज में आप अपने वीडियोस को बनाते होंगे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, डू यू द मेन लीड थिंक योर सेल्फ अ मेम्बर ऑफ द LGBTQ कम्युनिटी इंक्लूडिंग बट नो लिमिटेड टू लेस्बियन, गे, जेंडर न्यूट्रल, जेंडर क्वेरी, बाइसेक्सुअल, बाइजेंडर, ट्रांसजेंडर, ये चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, यहाँ पे आपको इस सवाल का जवाब नो करना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू द मेन लीड थिंक ऑफ योर सेल्फ हैज सेलेक्ट ऑल डैट अप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके चैनल में अगर आप मेन रोल करते हैं और अगर आप वुमेन हैं तो यहाँ पे वुमेन सेलेक्ट करना है, मैन है तो मैन सेलेक्ट करना है, नॉन बाइनरी है तो नॉन बाइनरी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मैन है हम तो मैन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आर यू द मेन लीड ट्रांसजेंडर, तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है, मतलब कि हाँ हम अपने चैनल को मेन लीड करते हैं। सभी सवालों के जवाब आपको कैसे देने हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तभी आप 2024 में इस YouTube के परीक्षा को पास कर पाएंगे। उसके बाद नीचे पूछा गया सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस चैनल, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ठीक है, दिस चैनल इज लीड बाई वन और मेनी इंडिविजुअल क्रिएटर। आपके चैनल को अगर एक से ज्यादा लोग मैनेज करते हैं तो आप पहले वाले को सिलेक्ट करें। दिस चैनल इज लीड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारा ऐसा चैनल होता है जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने होते हैं, मैं बहुत सारे लोग मिलके उस चैनल को चलाते हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है। दिस चैनल प्रेजेंटेड एज अ म्यूजिकल आर्टिस्ट और बैंड, अगर आपका कोई म्यूजिक का चैनल है तो यहाँ पे आपको म्यूजिक वाला सेलेक्ट करना है। दिस चैनल इज अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ अ ट्रांजिशनल मीडिया कंपनी ब्रॉडकास्ट पब्लिशर, तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना है। फिफ्थ नंबर पे है अदर प्लीज स्पेसिफाई, तो यहाँ पे आपको लिखना है This channel is lead by me, बस आपको इतना लिख देना है। This channel is lead by me, मतलब कि इस चैनल को मैं खुद चलाता हूँ। उसके बाद do you want to invite to a specialized program and celebration based on your answer, आप क्या चाहते हैं कि YouTube आपको फिर contact करे इस चैनल के बेस पे, तो यहाँ पे आपको yes कर देना है और उसके बाद आपको इसे सबमिट कर देना है। दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आपको सही ढंग से देने हैं, तभी जाके आप यहाँ पे इस YouTube की परीक्षा को पास कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस YouTube की परीक्षा को दे दिया है और यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्ड सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो इस तरीके से इस यूट्यूब के परीक्षा को आपको देना है। 2024 में आपके मोबाइल फोन में चैनल को अगर आप गूगल क्रोम में ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन जरूर मिलेंगे। इसको आप जल्द से जल्द कर लीजिए ताकि YouTube को ये समझ में आ जाए कि हाँ आप नॉलेज रखते हैं YouTube की और YouTube आपके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रेजेंट कर पाए। और दोस्तों तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, जरूर से जरूर हमें आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।